हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल इंडियन सुपर मॉम्स। तो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, पानी की जरूरत सबको ही होती है। हर एक लेवल में पानी की जरूरत बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पानी के बारे में बात करेंगे कि बच्चों को पानी कितनी ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पानी की जरूरत बच्चों में किस तरीके से होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो वो बच्चों की भूख को बढ़ाता है पानी, और ओवरऑल डेवलपमेंट में भी पानी की बहुत बड़ा एक सहायता देता है बच्चों को। जैसे कि अगर बच्चों को भूख नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बच्चों का पेट खराब हो रहा है या टीथिंग हो रही है, दोस्तों टीथिंग में भी बच्चों को पानी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और कॉन्स्टिपेशन में भी पानी बच्चों को बहुत हेल्प करता है। जितने भी जो हार्ड स्टूल होते हैं उन सबको सॉफ्ट करने में भी पानी बहुत ज्यादा मदद करता है बच्चों के पेट में। तो दोस्तों, ये सारे रीजंस हैं बच्चों का पानी से रिलेटेड कि बच्चों को बहुत ज्यादा वो हेल्प करता है आगे डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि पानी बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हर एक स्टेज में दोस्तों पानी की नेसेसिटी अलग अलग होती है। जैसे कि 0 to 6 months का जो बेबी है उसको पानी की नीड नहीं है, क्योंकि उसको सारा पानी उसके माँ के ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क से पूरा हो रहा है, तो उसको उसके अलावा उसकी जरूरत नहीं है। 6 months के ऊपर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अराउंड 1 to 2 teaspoon और tablespoon जितने की रिक्वायरमेंट है बेबी को उतनी। आप शुरुआती दिनों में आप ड्रॉपर से भी पानी दे सकते हो। अगर बच्चा इजिली एडेप्ट कर ले रहा है पानी, तो आप उसकी क्वांटिटी को आप आगे बढ़ा सकते हो। 12 months के बाद, यानी कि बच्चा जब 1 साल का हो जाए, तब अकॉर्डिंग टू वो कैसा एक्टिविटी कर रहा है उस हिसाब से आप उसको पानी दो। अगर बच्चा खेलने में एक्टिव है, या अगर बच्चा आराम से इजिली एक्टिविटी अगर गेम खेला, तो आप उसको अकॉर्डिंग उसके पानी दो। अराउंड अगर वो लगभग 1/4 glass भी पानी पी रहा है, तो इट इज नॉर्मल, उसके बढ़ सकता है पानी। बट कोशिश करिए कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आप उसको पानी दीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर बच्चा पानी ना पिए, अगर बच्चा पानी पीने को अगर रिफ्यूज करे, तब आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे फॉर्म्स हैं पानी के, आप उन दोनों फॉर्म्स में आप दे सकते हो। जैसे कि आप उसको शिकंजी बना के, अगर गर्मी है तो आप उसको शिकंजी बना के दे सकते हो। उसके अलावा जूसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जूसेस में हल्का सा पानी मिला के उसको दे सकते हो, क्योंकि जूसेस के कोई जूसेस बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो आप उसको हल्का सा पानी मिला के उसको दे सकते हो। थर्ड चीज है रूअफजा हो गया, या टैंग हो गया, या रसना, इस टाइप से आप बच्चों का पानी दे सकते हो। उसके अलावा आप उसके साथ बैठ के गेम खेल करके पानी पियो। जैसे कि देखो, मैं क्या करती थी, मैं एक सिर मैं पानी पीती थी और कहती थी देखो मैं कितनी स्ट्रांग हो गई, अब मैं उसको बॉक्सिंग करूंगी। तो एक नॉर्मल से एक टेडी था, तो मैं उसको से पंच करती थी, तो वो भी वो पानी पी के उसको ऐसे पंच करता था। तो दोस्तों, तालमेल बढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ, तभी बच्चा इजिली सारी एक्टिविटी को अडेप्ट करेगा। तो दोस्तों आप ये जरूर कर सकते हो। या दोस्तों आप उसको डिफरेंट टाइप्स के सिपर्स, आप डिफरेंट एजेस में आप उसको इंट्रोड्यूस करो। जैसे कि अगर बच्चा की दोस्तों अगर बच्चा 0 to 6 months है, तो आप नॉर्मली उसको पानी मत दो, क्योंकि उसकी सारी पानी की नेसेसिटी उसके ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूले मिल्क से पूरी हो रही है। 6 months के ऊपर आप उसको इस टाइप का फिलिप्स एवेंट का या किसी भी ब्रांड का आप उसको सिपर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दोस्तों नॉर्मली इसमें कैप होता है, और ये इसमें एक नॉर्मल सा एक होल है जिसमें 2 से 3 drop पानी आता है। बच्चा इसलिए आप वैसे बच्चा आराम से उसको ऐसे पी सकते हैं। हैंडल है, ये बहुत कंफर्टेबल है, बच्चा आराम से उसको होल्ड कर सकता है, और इसको वॉश करना भी बहुत इजी है। इसके सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो आप ये जरूर दे सकते हैं बेबी को, ये 6 months के ऊपर के बेबी के लिए। नेक्स्ट है ये मीमी का सिपर। ये दोस्तों आप अराउंड 12 months के ऊपर, जब बच्चे 1 साल का हो जाए, तब उसको आप ये इंट्रोड्यूस करो। इसमें नॉर्मली थोड़ा सा ये हार्ड इसका ये होता है, और इसमें एक छेद बना होता है। इसमें अराउंड 1 sip आराम से बच्चा पी लेगा, और इसमें ये 210 ml तक का है, यानी कि 6 ounces तक का आराम से इसमें पानी आता है। लगभग 1 glass का ये पूरा पानी आ जाएगा। तो आप उसको नॉर्मली दे दो, बच्चा इसको आराम से दिन भर पीता है। 1.5 से 2 साल तक के बच्चों को आप ये सिपर नहीं यूज कर सकते। दोस्तों ये भी फिलिप्स एवेंट का सिपर है, ये बेस्ट है 1.5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। इसमें क्या है, इसमें नॉर्मली एक ये स्ट्रॉ बनी है, और इसमें ये कैप ही इसमें है। तो इसके अलावा कोई आपको टेंशन नहीं कि कैप कहाँ रखा है या वो कहाँ रखा है, इसमें सब अटैच है। और दोस्तों इसको क्लीन कराने में बहुत इजी है, इसके सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि इसमें स्ट्रॉ गलती से गिर गया है, और इसका ये भी पार्ट इसका अलग हो जाता है, और ये भी पार्ट इसका अलग होता है। तो दोस्तों आप इस टाइप का सिपर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो बेबीज को।
इसमें भी सारे कलर्स है, इसमें एक पिंक कलर है, एक ब्लू कलर है, और भी सबसे पर्सनल अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो आप वो भी आप डिफरेंट कलर्स आपको जो बेबी आपको पसंद करता हो उसके अकॉर्डिंग आप कलर्स आप बेबी को दे सकते हो, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस टाइप के स्लिपर्स के साथ। और उसे देखिए हर ब्रांड का अलग अलग सिपर आता है, तो जिस सिपर में आपका बेबी कंफर्टेबल हो वही सिपर आप बेबी को दो। ऐसा नहीं है कि जो सिपर हम लोग यूज कर रहे हैं आप वो बेबी को सिपर दो, नहीं, जो बेबी आपको जिस सिपर में आपका बेबी होल्ड करने में इजी हो, उसको सिप लेने में इजी हो, वही सिपर आप बेबी को दे। इस चीज का टेंशन बिल्कुल ना ले कि ये सिपर बेस्ट है बेबी के लिए। देखो जो सिपर बेबी आराम से होल्ड कर ले रहा है वही बेस्ट सिपर है आपके लिए। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखो, और इसी के साथ प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना इंडियन सुपर मॉम चैनल को, हो सके तो शेयर करना इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिले हर बेबी के हर प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन सुपर मॉम्स, बाय, टेक केयर।